हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी इंग्लिश के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, यानी इसमें भी हम पूरे 125 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, 125 में से आप कितना सॉल्व करते हैं, एक ये, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये दो चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 125 में आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। तो पहली स्पेलिंग होगी दोस्तों कॉन्क्यूपिसेंस, और फ्रेंड्स कॉन्क्यूपिसेंस हिंदी मीनिंग होता है काम वासना। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सी ओ एन सी यू पी आई एस सी ई ई एन सी ई, कॉन्क्यूपिसेंस। नेक्स्ट इज कनेजर। तो फ्रेंड्स, कनेजर हिंदी मीनिंग इसका होता है पारखी, हिंदी मीनिंग हो जाएगा दोस्तों इसका पारखी, कनेजर मीन्स पारखी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई यू आर, कनेजर। तो फ्रेंड्स, कनेजर मीन्स पारखी। नेक्स्ट दोस्तों कैनिबल। फ्रेंड्स, कैनिबल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कैनिबल का हिंदी मीनिंग होता है नरभक्षी, नरभक्षी अर्थात जो नर को खाता हो, ठीक है। कैनिबल सी ए डबल एन आई बी ई एल और सी ए एन आई बी ए एल और सी ए डबल एन आई बी ए एल। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैनिबल सी ए डबल एन आई और बी ए एल। क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट स्पेलिंग इज साम। तो फ्रेंड्स, साम का हिंदी मीनिंग होता है भजन, प्रार्थना गीत। क्लियर? और फ्रेंड्स, आर डब्ल्यू इमर्सन की एक पोएम है जो 10th क्लास के सिलेबस में थी पहले, अब उसको हटा दिया गया है, द साम ऑफ द लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी हो जाएगी, पी एस ए एल एम। ध्यान रखना, साम की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, उसके बाद में एस होता है, ए एल एम। क्लियर फ्रेंड्स? साम, साम मीन्स भजन या प्रार्थना की। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्पेलिंग इज पैलेंक्विन। फ्रेंड्स, पैलेंक्विन की करेक्ट स्पेलिंग, पैलेंक्विन मीन्स होता है पालकी, पैलेंक्विन मीन्स होता है पालकी। और फ्रेंड्स, पैलेंक्विन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी पी ए, लिख के देख लेंगे, पी ए एल ए एन क्यू यू आई एन, पैलेंक्विन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पैलेंक्विन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 to 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिविन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिया गया है आपको बी वर्ब की या वर्ब की, बेस फॉर्म की या किसी फ्रेज की जरूरत होगी अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, योर प्रेजेंट स्टेटमेंट डैश डैश अकॉर्ड विद व्हाट यू सेड लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स, यहां पर करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। अब बी वर्ब की बात कर रहे हैं, यहां पर इज नॉट आ जाएगा क्योंकि वो वर्तमान समय की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट 7, आई डैश ए वेग थ्योरी दैट द लेडी ओरिजिनली बिलोंग टू द स्कॉटलैंड वाज हैव हैज हैड। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी। तो वेग थ्योरी दैट द लेडी ओरिजिनली बिलोंग टू द स्कॉटलैंड, यानी किसी लेडी की वो बात कर रहे हैं कि वो लेडी स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है, और जब ये पास्ट में आ रहा है तो ध्यान रखिए,
ये दैट कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो भी आपका पास्ट में होगा, तो ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रिजनर डैश डैश ऑन रिमोर्स फॉर हिज क्राइम्स हैज शोन शो शोड शोइंग एंड गाइस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी द प्रिजनर शोड ऑन रिमोर्स फॉर हिज क्राइम। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, दोस्तों 9 और 10 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो उसके लिए 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट वन फाइंड करना है। 9 इज ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो फ्रेंड्स विच वन इज करेक्ट, ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हम आगे के ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही प्रोमिस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट टुमारो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो फ्रेंड्स विच वन इज करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स लेट्स ए ग्लेंस टू ऑल ऑफ द ऑप्शन एंड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। फ्रेंड्स क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा और टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ इडियम टू बी इन ए फिक्स इज, तो फ्रेंड्स इडियम टू बी इन ए फिक्स इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सन इज, तो फ्रेंड्स विक्सन जो फीमेल फॉक्स होती है उसको विक्सन बोलते हैं और जो मेल फॉक्स होती है उसको हम फॉक्स बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्सन का जो मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉक्स, यानी ये कहेंगे फॉक्स मिस लॉमर और विक्सन मिस लॉमरी। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिफरेंस टू ए नरेशन, फ्रेंड्स नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच फॉलोज यूनिवर्सल ट्रूथ वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो किया जाता है यानी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम फ्रेज प्रोवर्ब आदि आते हैं तो उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता, ये बात सही है। इन रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज एडमिट कन्फेस थैंक ईटीसी, ये बात भी ठीक है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उनमें जो है हम एडमिट कन्फेस थैंक ईटीसी को जो है यूज करते हैं। सी इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट विश्ड कर्स एज रिपोर्टिंग वर्ब, तो फ्रेंड्स इसमें भी सैड या टेल को या टोल्ड को या आस्क को जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश प्रेड कर्स आदि में बदल दिया जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन डी को देखेंगे, इन इनडायरेक्ट स्पीच दीज इज चेंज इनटू दैट, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसानी से हमको पता चल रहा है कि यदि दीज आएगा तो दीज को हम दोज में कन्वर्ट करेंगे दैट में नहीं, सो ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट रेफरेंस टू नरेशन। 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फ्रेंड्स नाउन से वर्ब बनाने के संबंध में कौन सा सही नहीं है, एडिशन एड ये ठीक है, एडजस्टमेंट एडजस्ट ये भी ठीक है, एडमायरेशन और एडमायर ये भी ठीक है, एडवाइस और एडवाइजेबल, तो फ्रेंड्स एडवाइस जो है वो नाउन है और एडवाइजेबल जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग, तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग बतानी है योमैन की, और योमैन मीन्स होता है लैंडलॉर्ड अर्थात जमींदार,
तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, YEOMAN, योमैन। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रिफरेंस टू नरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीन करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है, तो उस इनकरेक्ट रूल को आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए होगा, इन इनडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस वी यूज इन्फिनिटिव टू। क्लियर बात है, इनडायरेक्ट में जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज़ किया जाता है। बी, द रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू इज चेंज इन प्रपोज सजेस्टेड और प्रपोज टू सजेस्टेड टू इन इनडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये बात भी सही है, यानी यदि इम्परेटिव सेंटेंस होता है और सैड या सैड टू को इनडायरेक्ट में बनाते समय हम प्रपोज सजेस्टेड, प्रपोज टू इज सजेस्टेड टू आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी, इन इनडायरेक्ट येस्टरडे चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। सो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच में येस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला जाता है, द लास्ट डे में बदला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे में नहीं बदला जाता है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर भी हम ऑप्शन डी को एक बार पढ़ेंगे। इन इनडायरेक्ट फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये कथन भी बिल्कुल सही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव के फर्स्ट पर्सन में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस सेकेंड पर्सन में है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रिफरेंस में कौन सा कथन सही नहीं है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वंस, ट्वाइस, ऑफन। ठीक है, वंस, ट्वाइस, ऑफन ये गिनती को बताता है, संख्या को बताता है। तो फ्रेंड्स ये फ्रीक्वेंसी होगा कि एक बार, दो बार, तीन बार, किसी काम की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बी, एडवर्ब ऑफ रीजन आर वेल, फास्ट, क्विकली। तो फ्रेंड्स वेल, फास्ट, क्विकली इसको अभी हम स्किप करते हैं, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर, देयर, अप, आउट। ये कथन भी सही है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस को डेनोट्स करते हैं उनमें हेयर यानी यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर आदि शब्द जो है सब ये आ जाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर बिफोर, नाउ, लेट, अर्ली, ईटीसी। तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। देखिए एडवर्ब्स ऑफ रीजन में वेल, फास्ट, क्विकली नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स वेल, फास्ट, क्विकली जो होंगे वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट निम्नलिखित में से करेक्ट नहीं है। टिल, अंटिल, ऑफन यूज विद ए नेगेटिव वर्ब टू एम्फेसाइज लेटनेस। ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। टिल, अंटिल, ऑफन यूज विद ए नेगेटिव वर्ब टू एम्फेसाइज लेटनेस। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा। फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है। इंटरजेक्शन मे एक्सप्रेस जो ए ग्रीफ सरप्राइज, ये भी ठीक है।
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डज नॉट जॉइन ए क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज। तो फ्रेंड्स ये कथन सही नहीं है कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको प्रिंसिपल क्लॉज से रिलेट करते हैं। तो ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 19, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। सो ऑप्शन डी द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट विल बी करेक्ट आंसर। हो सकता है आप में से कुछ एस्पायरेंट्स के मन में चल रहा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको मेंशन करा दूं कि एग्जाम में जब गलती होती है तो छोटे छोटे क्वेश्चन में ही जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहीं पर गलती होती है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि जो 60-70% पेपर आता है वो दोस्तों एवरेज ही होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। सेकेंड को देखेंगे, द बॉयज प्ले क्रिकेट, फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। थर्ड वन, द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर? सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, वह कुछ बुक्स खरीदने के लिए बाजार गया, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हैज हैव प्लस वी की 3, यानी हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ही हैज गॉन टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। यहाँ पर हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूल को फॉलो किया गया है। ऑप्शन 1 को भी देख लेंगे, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट टू बाई सम बुक, हैज बीन और प्लस ing, और तो फ्रेंड्स हैज बीन और ing जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वाज प्लस वर्ब की ing फॉर्म, यहीं से देख लेंगे पास्ट कंटिन्यूस में हो गया। एंड ही गो टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, वह बाजार जाता है कुछ बुक्स खरीदने के लिए। तो v1 प्लस SAS प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा ऑप्शन ए वन अनदर, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी दोस, और ऑप्शन डी हु। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वन अनदर इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स हर यानी ऑप्शन बी जो होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, सी दोज ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज हो सकता है, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी हु ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 22-24, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए 22-24 में, यानी 22, 23 और 24 में चार पेयर दिए गए हैं क्वेश्चंस के, तो जिनमें से केवल एक सही है। चलिए 22 को देखते हैं, फुल मैनी ए फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लस अनसीन, और फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन, और फुल मैनी ए फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लस अनसीन, फुल मैनी अ फ्लावर्स इज बॉर्न टू अ ब्लस अनसीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले केवल एक ही चीज़ को फोकस करना होगा, और क्योंकि सभी में ए दिया गया है, तो फ्रेंड्स जब ए दिया गया है तो एक ही बात यहाँ पर हो रही है, तो ए के बाद में आने वाली जो नाउन होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगी तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी, क्योंकि बाकी सभी में या तो जिसे फर्स्ट में नाउन सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल है,
और सी और डी में नाउन भी प्लूरल है और यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है। तो क्योंकि ए के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23, अनलेस ही विल स्टडी रेगुलरली ही विल नॉट पास। तो फ्रेंड्स, अनलेस के साथ में कभी भी आप देखेंगे कि अनलेस अनलेस जो है एक कंडीशनल वर्ड है कि जब तक वह नियमित रूप से स्टडी नहीं करेगा वह पास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अनलेस से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, वो हमेशा प्रेजेंट में होगा। और अनलेस अपने साथ में नॉट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली ही विल नॉट पास। क्लियर। 24, द पोइट एंड द नोवलिस्ट इज डेड। तो फ्रेंड्स, द पोइट एंड द नोवलिस्ट इज डेड, देखिए पोइट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है और नोवलिस्ट से पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो एक पोइट हो गया और एक नोवलिस्ट होगा। तो वर्ब जो है प्लूरल होनी चाहिए थे, लेकिन वर्ब सिंगुलर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन टू, द पोइट एंड नोवलिस्ट इज डेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइट एक है और क्योंकि आर्टिकल पोइट के पहले लगा हुआ है तो ये और नोवलिस्ट के पहले आर्टिकल नहीं है, तो नोवलिस्ट और पोइट जो है वो एक ही पर्सन है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द पोइट एंड नोवलिस्ट आर डेड, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सेम सेंटेंस को रिपीट कर दिया गया लेकिन वर्ब को प्लूरल कर दिया है। यदि वर्ब प्लूरल होती तो यहाँ पर नोबलिस्ट के पहले भी आर्टिकल होना चाहिए था। नेक्स्ट देखेंगे, फोर, द नोबलिस्ट विद द पॉइंट आर डेड। तो फ्रेंड, जब भी विद के साथ में कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो तब भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट, द पॉइंट एंड नोबलिस्ट इज डेड। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑल इनकम्प्लीट, एन एप्पल ऑफ वंस हैंड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और डी एट एन आर्म्स हाइट। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। कौन सा पेयर दोस्तों मिसमैच है, चलिए एक बार देख लेते हैं, चेक किए लेते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन अबाउट, कंपाउंड प्रीपोजिशन अबाउट, फ्रेजल प्रीपोजिशन विद, और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पेंडिंग। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि अबाउट दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, ये सिंपल प्रीपोजिशन नहीं होता है। 27, मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस। फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेंज ओन्स इनटू ए नाउन। ओन्स जो कि एक वर्ब है उसको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 28, विद रिफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पंक्चुएशन मार्क्स के संबंध में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, इफ ही कम्स टू मी कॉमा आई विल लैंड हिम माई बुक, तो ये आंसर ठीक है। और बी, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही कम्स टू मी, ये भी ठीक है। देखिए, यदि इफ़ को हम स्टार्टिंग में रखते हैं जो कि एक एडवर्ब क्लॉज है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज उसको फॉलो करती है तो हम उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे, बट यदि प्रिंसिपल क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज के द्वारा फॉलो किया जाता है तो हम केवल कंजंक्शन के द्वारा काम चला लेते हैं, वहां पर कॉमा की आवश्यकता नहीं होती है।
डी माय मदर सेज लव इज द रेमेडी ऑफ ऑल सोशल इविल्स। तो फ्रेंड्स माय मदर सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा लव इज द रेमेडी ऑफ ऑल सोशल इविल्स, तो ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैट्स अनलाइक डॉग्स डू नॉट रेस्पेक्ट देयर मास्टर्स। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग का जो नाउन फॉर्म होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए मिसमैच विद रिफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। फ्रेंड्स एंटोनिम के सीक्वेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए आर्टिकुलेट इन आर्टिकुलेट, तो फ्रेंड्स ये कथन सही है। ऑप्शन टू अटेंटिव और इन अटेंटिव, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी ऑस्पिशियस एंड इनकैपेबल और ऑप्शन फोर क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्पिशियस एंड इनकैपेबल। ठीक है, क्रेडिबल इनक्रेडिबल ये भी ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों ठीक है, केवल ये ही सही नहीं है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच वर्ड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये मिस स्पेल्ट होना चाहिए था, ये मिसमैच हो गया है। सो इसको मिस स्पेल्ट पढ़ गया। ऑप्शन ए वॉस्टल, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन तीन वेस्टफुल और ऑप्शन फोर वांटेड। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वांटेड। क्लियर। यदि वेस्टल की बात करेंगे तो वेस्टल में सोता अपव्ययी और WHET वेट, वेट में सोता उत्तेजित करना और विस्टफुल में सोता उदास और फ्रेंड्स ये होता वांटेड। ठीक है, और वांटेड की जो स्पेलिंग होती है WONTED होती है, यानी सिंगल एन होता है और ये होता हमेशा का। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी हमने आपको बता दी है और यही वर्ड जो है मिसमैच है, यानी मिस स्पेल्ड है। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिफरेंस टू सेमी कॉलोन। सेमी कॉलोन के रिफरेंस में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ए सेमी कॉलोन इज यूज टू द सेपरेट क्लाउजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। बी सेमी कॉलोन इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज। सी सेमी कॉलोन रिप्रेजेंट्स ए पोस्ट ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन कॉमा। और डी सेमी कॉलोन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए भी सही है कि सेमी कॉलोन का यूज है वो कंपाउंड सेंटेंस की जो क्लॉज होती है उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी भी सही है, इसका प्रयोग जो है जो कॉमा की अपेक्षा हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहाँ पर भी किया जाता है, और सेमी कॉलन का प्रयोग कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो कि सेमी कॉलन के रिफरेंस में इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33, व्हाट इज सैमसन एगोनिस्ट। फ्रेंड्स सैमसन एगोनिस्ट क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए पोएटिक प्ले रिटन बाय जॉन मिल्टन। यानी जो सैमसन एगोनिस्ट है वो एक पोएटिक प्ले होगा जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हु सेज मिल्टन थाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ट्वेल्थ अपार्ट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जॉन मिल्टन के विषय में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, इन हिज कॉलेज डेज मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, व्हाई। अपने जो कॉलेज के दिन थे उनमें मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता है, यानी क्राइस्ट कॉलेज की लेडी कहा जाता था, व्हाई। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ही वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही
ज़्यादा सुंदर था, उसके जो बाल थे वो बहुत कर्ल थे यानी घुंघराले टाइप के थे, और उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, तो इसलिए उसको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36, व्हाट द मीनिंग ऑफ द टर्म हेमार्शिया एज यूज बाई एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेडी। हेमार्शिया का मीन्स क्या होगा, जैसा कि इसको एरिस्टोटल के द्वारा अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेडी में यूज किया गया है। सो गाइस, ट्रेजिक एंड ऑफ द ट्रेजी वर्किंग ऑफ द फेट अगेंस्ट द हीरो, ए वीक ट्रेट इन द करेक्टर ऑफ द हीरो और ए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी इन द करेक्टर ऑफ द हीरो। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वीक ट्रेट इन द करेक्टर ऑफ द हीरो। नेक्स्ट 37 एंड 38, इनको फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो 37 है, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, इसको एसेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये एसेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में, आई विश आई वर यंग अगेन। क्लियर। नेक्स्ट 38, ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड, इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड, और इट सक्सीडेड दैट इट वॉज ओइंग टू हिज फादर, और ही सक्सीडेड टू ओइंग टू हिज फादर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 39 to 43, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज गिवन इन इटालिसाइज्ड बोल्ड। फ्रेंड्स इटालिसाइज्ड बोल्ड में एक क्वेश्चन दिया गया है और उसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है उसको बताना है। इमानसिपेट, तो फ्रेंड्स इमानसिपेट हो तो मीन्स होता है क्षमा करना या मुक्त करना। इमानसिपेट का अर्थ जो होता है क्षमा करना, मुक्त करना, या कहें कि किसी भी बंधन से मुक्त करना। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए रिलीज। वैसे तो सभी का जो अर्थ होता है, जैसे लिबरेट, लिबरेट का मीन्स भी जो है क्षमा करना, मुक्त करना होता है। एक्विट मीन्स भी क्षमा करना या मुक्त करना होता है। और फ्रेंड्स जो इलनेस होता है, इलनेस का मीनिंग होता है बीमारी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिलीज। होस्टिलिटी डेनोट्स, फ्रेंड्स होस्टिलिटी किस चीज़ को डेनोट्स करता है, काइंडनेस, एनिमिटी, एंटरटेनमेंट और अनचैन। तो गाइज आंसर हो जाएगा एनिमिटी, होस्टिलिटी डेनोट करता है एनिमिटी को। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, एंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, और अनचैन मीन्स होता है किसी को बंधन मुक्त करना। पैडागोजिकल डेनोट्स, फ्रेंड्स पैडागोजिकल डेनोट्स करता है, तो गाइज पैडागोजिकल डेनोट्स करता है पर्टेनिंग टू टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसेंट डेनोट्स, फ्रेंड्स एसेंट डेनोट्स करता है क्लाइम, कंफर्म, आंसर और एग्री। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्री, एसेंट में किसी की बात से सहमत होना। क्वेश्चन 43, डिफाइंस, डिफाइंस डेनोट्स इंसल्ट, डैनियल, डिग्रेडेशन और रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस मीन्स होता है विरोध, और डिफाइंस का मीनिंग भी होता है अक्खरपन या विरोध। डैनियल का मीन्स होता है इनकार या डिनाइल भी इसको कह सकते हैं। इंसल्ट मीन्स अपमान, और डिग्रेडेशन मीन्स होता है दुर्दशा। 44 एंड 45 में आपको जो वर्ड बोल्ड में दिया गया है उसका एंटोनिम्स बताना है। 44, डिसमल, फ्रेंड्स डिसमल मीन्स होता है निराशापूर्ण,
ऑप्शन होंगे ब्राइट, इंडिफरेंट, फास्ट और एनर्जेटिक। यानी डिसमल का जो अपोजिट वर्ड है वो बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, अपोजिट इन मीनिंग। तो ब्राइट मिस होता है चमकीला, इंडिफरेंट मिस होता है उदासीन, यानी ये दोनों तो आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। फास्ट मिस होता है तेज, और दोस्तों एनर्जेटिक मिस होता है उत्साहपूर्ण। तो फ्रेंड्स डिसमल यानी निराशापूर्ण या उदासीन, और एनर्जेटिक होता है उत्साहपूर्ण। तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन इज सैंग्वाइन टेम्पर। फ्रेंड्स सैंग्वाइन टेम्पर, सैंग्वाइन टेम्पर मतलब एक आशावादी आचरण, ठीक है, आशावादी आचरण। तो डिस्पेयरिंग नेचर, पीसफुल टेम्परामेंट, रूड बिहेवियर और सेल्फिश नेचर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डिस्पेयरिंग नेचर। क्लियर। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 46-50, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स 46, वी आर गोइंग। तो फ्रेंड्स गो वर्ब जब भी आएगी और उसके बाद में कोई डेस्टिनेशन दिया गया होगा, एक्सेप्ट होम, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट होम, कोई भी डेस्टिनेशन दिया गया है तो वो हमेशा टू प्रीपोजिशन को फॉलो करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आई बाउट हिज पेन डैश डैश टेन। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी वस्तु की कॉस्ट की बात करेंगे और उसको बाई करने की बात करेंगे तो उसके साथ में फोर प्रीपोजिशन आता है। आई बाउट हिज पेन फोर रुपी टेन। नेक्स्ट 48, आई बेयर नो मैलाइस। तो फ्रेंड्स आई बेयर नो मैलाइस एनीबडी ऑन अगेंस्ट इन ओवर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश डैश राम एंड सुरेश। तो फ्रेंड्स दो पर्सन की बात हो रही है, जब दो पर्सन की बात आएगी तो वहां पर बिटवीन का यूज होगा, और यदि दो से ज्यादा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड सुरेश। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 50, ही मैनेज डैश डैश एस्केप सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली नैब्ड बाय द पुलिस। तो फ्रेंड्स ही मैनेज्ड, एक वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब आ गई, और जब फाइनाइट वर्ब आएगी तो दूसरी जो वर्ब आएगी वो नॉन फाइनाइट रूप में आएगी, आइदर इन्फेटिव रूप में और जीरंड फॉर्म में, पार्टिसिपल फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आए वो नॉन फाइनाइट रूप में आनी है। तो क्योंकि यहाँ पर ना तो जीरंड दिखाया गया है ना ही कोई पार्टिसिपल है, तो इसलिए यहाँ पर जो है टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही managed to escape several times but was finally nabbed by the police. वो कई बार बचने में सक्सेसफुल रहा लेकिन फाइनली पुलिस के द्वारा उसको जो है दबोच लिया गया। 51-55, choose the sentences which make appropriate use of the given in the brackets. तो फ्रेंड्स ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसके प्लेस पे आपको करेक्ट ऑप्शन, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसका यूज करना है जो आपके सेंटेंस के मीनिंग को करेक्ट कर दे। 51, माय ओपिनियन फॉर दिस फिल्म इज दैट इट विल बाय द ऑस्कर अवार्ड। तो फ्रेंड्स जब हम किसी वस्तु के विषय में प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां पर अबाउट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आयशा परचेज्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल द बैग्स इन द शॉप। तो यहाँ पर कंपेरिजन हो रही है, और जब कंपेरिजन हो रही है तो वो सभी के बीच में कंपेरिजन हो रही है कि जो जितने भी बैग्स थे शॉप पर उन सब का, उन सब में से आयशा ने जो सबसे ज़्यादा अच्छा था उसको खरीदा। तो फ्रेंड्स द वेरी गुड ना होकर इसको हम द बेस्ट कह सकते हैं। क्लियर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर द रीच द स्टेशन। सो क्योंकि बिफोर का यूज हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, तो जब बिफोर का यूज होता है
जो फर्स्ट क्लॉज होती है उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को वो फॉलो करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आई शुड डैश जो ब्रैकेट में है विद देम टुनाइट, तो फ्रेंड्स शुड मॉडल वर्ब है और जब शुड आएगा तो शुड के साथ में जो बेस फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है वो ही आएगी हैज की, यानी कि हैव यहां पर आएगा, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिला है, हैव बी। ठीक है, 55, ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस, तो फ्रेंड्स यहां पर एक बार फिर से मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, तो जब बी की सेंस में हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस। 56, द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लगभग 523 सोनेट्स जो है रिटन किए गए हैं। नेक्स्ट, देर इज ए मास्क इन शेक्सपियर्स विंटर्स टेल, हु आर द डांसर्स इन दिस मास्क, विलियम शेक्सपियर के विंटर्स टेल में एक मास्क का यूज किया गया है, तो उस मास्क में जो डांसर्स हैं वो कौन हैं, लॉर्ड एंड लेडी, शेफर्ड एंड शेफर्ड्स, फेरीज एंड निम्स और फॉन्स एंड स्टेयर्स, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फाउंस एंड स्टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इन मिल्टन्स फेमस मास्क कॉमस एन इम्पोर्टेंट करेक्टर इज शायर्स, हु वाज शायर्स, फ्रेंड्स मिल्टन का जो फेमस मास्क है कॉमस उसमें एक करेक्टर है शायर्स, तो फ्रेंड्स वो शायर्स जो करेक्टर है वो किस फॉर्म में है, बिलव्ड ऑफ कॉमस, द मदर ऑफ कॉमस, द क्वीन ऑफ फेरीज, द पास्टरल गॉडीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द मदर ऑफ कॉमस। व्हाट इज द मेलोड्रामेटिक प्ले, फ्रेंड्स मेलोड्रामेटिक प्ले क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्ले विच हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम्स, ठीक है ऑप्शन नंबर बी, ए प्ले विच हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम्स। 60, ए ट्रेजिक प्ले एंडिंग, व्हाट इज ए ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, तो फ्रेंड्स ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसा प्ले होता है जो शुरुआत में तो ट्रेजिक फॉर्म में चलता है लेकिन जैसे जैसे प्ले का एंड होता है तो उसकी जो एंडिंग है वो कॉमेडी फॉर्म में होती है, तो चेक किए लेते हैं अपने ऑप्शंस में से, तो फ्रेंड्स एक ट्रेजिक प्ले एंडिंग एज ए कॉमेडी, तो यही ऑप्शन सही मिल जाता है शुरू में ही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 61 to 65, to the option which is closest in meaning to the word given in capitals, friends जो word capitals में दिए गए हैं उनके closest meaning आपको बताना है, 61 में हो जाएगा sustenance, तो friends sustenance में होता है पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, ठीक है, तो courage का meaning होता है साहस, नॉरिशमेंट का मीनिंग होता है पालन पोषण या भरण पोषण करना, और हेल्थ का मीन्स होता है स्वास्थ्य, और विजडम का मीन्स होता है बुद्धि, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉरिशमेंट, क्लियर। वेरासिटी 62, वेरासिटी दोस्तों वेरासिटी का हिंदी मीनिंग होता है सत्यता, अब इसको देख लेते हैं सत्यता कह सकते हैं, सच्चाई भी हम बोल सकते हैं, तो एक ऑप्शन हमको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथफुलनेस, इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी यानी कि ट्रूथफुलनेस। फोर्सफुलनेस की यदि बात करेंगे तो प्रबलता होता है किसी भी चीज को जब हम जोर देकर कहते हैं। सिंप्लिसिटी दोस्तों, सिंप्लिसिटी
दोस्तों सिंप्लिसिटी का जो मीनिंग होता है वो होता सहजता, ठीक है, और ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स होता है हास्य कला, क्लियर। नेक्स्ट वन गस्टो, गस्टो, तो फ्रेंड्स गस्टो को गेस्ट से याद रख सकते हैं, जी यू एस टी गेस्ट, ठीक है। और जब किसी के भी घर पर गेस्ट आते तो किसी को बुरा नहीं लगता है, बल्कि सब जो है खुश होते हैं। तो जब सभी खुश होते हैं तो फ्रेंड्स गस्टो का मीनिंग हो जाएगा इंजॉयमेंट, क्लियर फ्रेंड्स, गस्टो मीन्स इंजॉयमेंट, क्लियर। नेक्स्ट अगर गट्स की बात करें तो फ्रेंड्स गट्स मीन्स होता है हिम्मत, और एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म मीन्स होता है उत्साह, और होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। नेक्स्ट डेबिलिटेट, फ्रेंड्स डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मीनिंग होता है दुर्बल करना, हिंदी मीनिंग की बात करें डेबिलिटेट का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है दुर्बल करना। तो ऑप्शन ए आउटलॉ, बी सपोर्ट, सी वीकेंड और डी ऑनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीकेंड, वीकेंड मीन्स होता है दुर्बल करना, ठीक है। और दोस्तों आउटलॉ मीन्स होता है अपराधी, और सपोर्ट मीन्स होता है सहयोग करना या सहायता देना, और फ्रेंड्स ऑनर मीन्स होता है सम्मान। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे फेरेट, एफ ई डबल आर ई टी, फेरेट। दोस्तों फेरेट का हिंदी मीनिंग की यदि हम बात करेंगे तो हिंदी मीनिंग होता है फेरेट मीन्स खोजना, ठीक है। अब ऑप्शन ए में स्टील है जिसका हिंदी मीनिंग होता है चुराना, सी में फॉरगेट भूलना, और डी में फाइट लड़ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्च मिस भी होता है खोजना या ढूंढना, और फेरेट मिस भी होता है खोजना या ढूंढना। नेक्स्ट वीनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम बाई, तो फ्रेंड्स वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होगी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 67 हु आर मालकम एंड डोनाल्बिन इन दिस प्ले, इन दिस प्ले यानी कि मैकबेथ प्ले की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैकबेथ प्ले में मेलकॉल या मेलकॉलम और डोनाल्बिन कौन है, तो आंसर हो जाएगा किंग डंकन्स सन। नेक्स्ट वन 68 द लाइंस द लॉन्टिक द लवर एंड द पॉइंट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट आर स्पोकन बाई, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है इन लाइंस को जो कॉम्पैक्ट किया गया है ये किसके द्वारा बोली गई है, तो फ्रेंड्स ये थीसिस के द्वारा बोली गई है लाइन, ठीक है। और कहां पर बोली गई है फ्रेंड्स, मिड समर्स नाइट ड्रीम में इन लाइंस को बोला गया है। फ्लैगस्टाफ इज अ करैक्टर इन शेक्सपियर, फ्रेंड्स फ्लैगस्टाफ शेक्सपियर के किस प्ले में एक करैक्टर होगा, हेनरी फर्स्ट, मेजर फॉर मेजर, यहां पर लिखना भूल गए हैं, ठीक है, हेनरी एट्थ और हेनरी फोर्थ। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी फोर्थ। 70 थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट इज डन द अबव लाइंस फ्रॉम द प्ले, तो फ्रेंड्स ये लाइन मैकबेथ प्ले से ली गई है और लेडी मैकबेथ के द्वारा इन लाइंस को बोला जाता है प्ले के एक्ट थर्ड के सीन सेकेंड में। ध्यान रखना इन लाइंस का मीनिंग होता है कि जो काम हम बिना विचारे करते हैं उनका परिणाम हमें भुगतना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया, उसके विषय में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज 71 होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एट द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने किसको एक्यूज किया है, ठीक है, द एंग्लिकन क्लेरिजी, द कावालियर पॉइंट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन सभी को उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में जो है एक्यूज किया है। 72 देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर,
स्केयर्सली एनी दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। तो फ्रेंड्स ये रिमार्क विलियम हेजलिट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वन इज द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स जो एक्सकर्शन था वो वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक जीनियस था उसका डिक्लाइन का जो है वो बिगिनिंग था। द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। '74 गैल्सवर्थी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गैल्सवर्थी का कंट्री हाउस प्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स गैल्सवर्थी का कंट्री हाउस अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मिडिल क्लास भी आना चाहिए था, ठीक है ना। वो ओवरऑल जो रिप्रेजेंट करता है वो अपर मिडिल क्लास को करता है, ना कि केवल अपर क्लास को। तो फिर भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अपर क्लास। 75 प्रल्यूड वाज रिटन इन। तो फ्रेंड्स प्रल्यूड जो कि काफ़ी अच्छा एक ही कहें कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इसको जो है 1805 में स्टार्ट किया गया था कंपोज किया जाना। और लगभग दोस्तों इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1850 में किया गया था, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में उनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। और इसको दोस्तों पोएम टू कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर करेक्टर्स ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग। फ्रेंड्स मच अडू अबाउट नथिंग में जो फेमस करेक्टर होंगे वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होंगे वन, अगर हम चार ऑप्शन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, तो हम करेक्ट आंसर बताते हैं। हीरो और बोरेशियो, एंटोनियो, क्लैडियो और दोस्तों लेनेटो, ये इसके करेक्ट जो मेजर करेक्टर हैं वो हो जाएंगे। 77 अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए सॉन्ग इन। तो फ्रेंड्स एक ग्रीनवुड ट्री के नीचे जो सॉन्ग दिखाया जाता है वो किस प्ले की इंसिडेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। और दोस्तों उसको गाता कौन है, एमीज, ठीक है ना। 78 विच ऑफ दीज वॉज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेक्सपियर्स के प्लेज में से नहीं है। टाइटस एंड एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर का प्ले है, टेम्पेस्ट भी विलियम शेक्सपियर का प्ले है, और इसको स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्वान सॉन्ग। तो किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑथर का जो लास्ट वर्क होता है उसको हम स्वान सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। सिम्बलाइन भी विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर इन लव, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं है। 79 विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कॉट हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड कम फ्रॉम। तो फ्रेंड्स ये फेमस लाइन किंग लियर प्ले से ली गई है। नेक्स्ट वन इज विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कॉट द फर्स्ट थिंग वी डू लेट अस किल ऑल द लॉयर्स कम फ्रॉम। तो ये लाइन, ये कॉर्स दोस्तों कहाँ से ली गई है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस यानी कि, और पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे और किंग हेनरी द सिक्स पार्ट सेकेंड। तो गाइस ये लाइन विलियम शेक्सपियर के किंग हेनरी द सिक्स पार्ट सेकेंड से ली गई है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा 81 इन शेक्सपियर्स लिटरेरी आउटपुट 1604 से 1608 के बीच में जो माना जाता है उसको उनके किस पीरियड के नाम से जाना जाता है। कॉमेडी प्लेज, हिस्ट्री प्लेज, ग्रेट ट्रेडीज और नॉन ऑफ दीज। तो गाइज आंसर होगा
हिस्ट्री प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर टू बी कम फ्रॉम। तो फ्रेंड्स ये कोट हैमलेट प्ले से ली गई है और पोलोनियस के द्वारा अपने जो लेयर्टीज होता है ये उसके लिए बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। 1613 में ग्लोब थिएटर जो बर्न हुआ था वो किस प्ले की प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस के द्वारा जो है बर्न हुआ था। आंसर होगा हेनरी VIII। T.S. Eliot has borrowed the term unreal city in the first and third sections from। तो फ्रेंड्स जो T.S. Eliot के द्वारा unreal city का जो एक टर्म बोरो किया गया था वो दांते से किया गया था। Some born great, some achieve greatness and some have greatness thirst upon them। Above lines are taken from which of the following plays? तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम शेक्सपियर के 12th नाइट से ली गई है। क्लियर। '86 ऑल इज बट टॉयज रिनोन एंड ग्रेस इज डेड द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल्ट To brag of in which play of Shakespeare do the above lines appear? तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम शेक्सपियर के डेफिनेटली ऑल इज बट टॉयज रिनोन एंड ग्रेस इज डेड द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रेन। ये तो दोस्तों फ्रेंड्स देखने से ही पता चल रहा है कि विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले से लाइन्स ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज इट इन एज यू लाइक इट That tutors Orlando how to be a better lover। दोस्तों वह कौन है जो एज यू लाइक इट में ओरलैंडो को ट्यूट करता है, टीच करता है कि एक अच्छा लवर कैसे बना जा सकता है। तो इट इज फेब, गैनिमीड, सिलेवियस और एलिनिया। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैनिमीड। This is Ganymede. Next, 88. Sir Toby Bleach and Sir Andrew Ogcheek are famous characters in. तो फ्रेंड्स सर टोबी ब्लीच एंड सर एंड्रू ऑगचीक आर फेमस करेक्टर्स होंगे एंड शेक्सपियर एज यू लाइक इट में, मेजर फॉर मेजर में और मिडसमर्स नाइट ड्रीम में और ट्वेल्थ नाइट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th night। 89, in as you like it who said to home the following all the worlds is a stage। तो फ्रेंड्स ये कौन कहता है, टच स्टोन टू सीलिया, रोजालिन टू ओरलैंडो, एडम टू ड्यूक फ्रेडरिक और जैकस टू ड्यूक सीनियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैकस टू ड्यूक सीनियर। 90, इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। तो फ्रेंड्स किंग लियर में जो पुअर टॉम की आवाज़ में बोलता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडगर। नेक्स्ट, हु सैड मिल्टन दाउ सुरेस्ट बिलीविंग एट दिस आर। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है, ये लाइन जो है, ये जो लंदन पोएम है विलियम शेक्सपियर की, लंदन 1802, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने मिल्टन के लिए इन सबको रिपीट किया है। ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। तो फ्रेंड्स उनका जो ट्रू कमेंसमेंट था, वो जो बाहर आना स्टार्ट हुआ था, वो 1791 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स। Who is Thomas Gray referring to in his lines? Nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy from the progress of poesy. तो फ्रेंड्स इन लाइनों में किसको रेफर किया गया है, मतलब ग्रे के लिए किसने इन लाइन्स को बोला है।
शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर और डन। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट को कब कंप्लीट किया गया था, ऑप्शन होगा 1665 में और 1667 में इसको पब्लिश किया गया था और 1658 में इसको इन्होंने लिखना आरंभ किया था। क्लियर, इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डिपिक्टेड इन, तो फ्रेंड्स क्लास का जो डिपिक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो किस प्ले में जॉन गल्सवर्थी के जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉयल्टीज। और 96 फ्लैशटॉप इज अ करेक्टर इन, तो फ्रेंड्स फ्लैशटॉप हैंडी फोर्ड पार्ट वन में है और मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में है। तो रूट नीचे दिया गया होगा, हाँ रूट नीचे दिया गया है, तो ए एंड बी सही हो जाएगा। ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबैथ, ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबैथ इज ए लॉन्ग रेस बाय टॉमस डी क्वेंसी। 98, हाउ डज रोजालिन रेस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो व्हेन ही कंटेंड्स दैट ही विल डाई अनलेस ही रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स रोजालिन जब उसको एश्योर करती है तो वो ये एश्योर करती है कि कोई भी अभी तक जो है ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिला है जिसकी लव के कारण डेथ हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 99, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आर स्टेयर्स बट इन आर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स हु सेड दिस एंड विच प्ले। तो फ्रेंड दिस इज सेड बाय कैसियस इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर प्ले में ये जब ब्रूटस की डेथ कर देते हैं वो, क्योंकि वो सीजर के पक्ष में होता है और जो सीजर के जो कंस्पायरेटर्स थे वो उनके विरुद्ध था, तो इसलिए कैसियस अपने जो बाकी साथी थे उनके साथ मिलकर ब्रूटस की हत्या कर देता है और उसके बाद में इलाइंस को बोलता है कि ब्रूटस का जो फॉल्ट था वो केवल इतना था कि उसने हमारी साइड नहीं ली, बट कि वो जो है जो दूसरी साइड थी वो मतलब हमारे जो ओपोनेंट्स थे वो उनके साथ था। 100, हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नॉट रिन्यूस्ट दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड अनलेस सम मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगाइल इन विलियम शेक्सपियर्स पोएम शॉर्ट लुक इन द क्लास। तो फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर की एक पोएम होगी लुक इन द ग्लास, तो उस सोनेट में जो बिगाइल वर्ड है वो किस लिए यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स बिगाइल का जो वर्ड होता है वो होता है चीट करना, धोखा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द फाइनेस्ट ऑफ गल्सवर्थी लेटर ड्रामास इज, तो फ्रेंड्स गल्सवर्थी का जो फाइनेस्ट मतलब एक अच्छा और जो लेटर ड्रामा है दैट इज लॉयल्टीज। नेक्स्ट द टू अप्रैल मॉर्निंग्स, तो इट इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड्स का ऑथर कौन होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर, When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, what does light refer to? Sunlight, infrared ray, eyesight और cosmic rays। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, eyesight। नेक्स्ट 105, Milton's Paradise Lost divided into, तो फ्रेंड्स मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में डिवाइड है। द फ्रेज
दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाई। तो फ्रेंड्स जो फ्रेज है दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको पहली बार टी एस इलेट के द्वारा यूज किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सिटी वीट। तो फ्रेंड्स क्रिस्टोफर मार्लोव यूनिवर्सिटी वीट्स में है, जॉर्ज पीले यूनिवर्सिटी वीट्स होंगे, रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी वीट्स हैं, और फ्रेंड्स बेन जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी वीट्स नहीं है। हु डिफाइंड टेडी इन द फॉलोइंग मैनर। टेडी को फॉलोइंग मैनर में किसने डिवाइड किया है, मतलब किसने डिफाइन किया है। टेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, की टेडी एक इमिटेशन है एक एक्शन का, दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड। प्लेटो, शेक्सपियर, अरिस्टोटल और लॉगिंग्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरिस्टोटल। क्लियर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म का फादर कौन होगा, दैट इज टी एस इलियट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इफिमिनेट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें वुमेनिस हैबिट हो, यानी वुमेन जैसी हैबिट हो। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स। वन हंड्रेड इलेवन, व्हाट इज मेंट बाय कैथार्सिस। कैथार्सिस का मीनिंग क्या होगा, तो फ्रेंड्स कैथार्सिस में होता भाव विरेचन, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, यानी जो इमोशंस होते हैं पिटी और फियर के, तो उनका शुद्धिकरण करना ही इसका जो है एक्चुअल में अर्थ होता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नोवल। तो फ्रेंड्स प्रोलेटेरियन जो नोवल थे उनका जो बेसिक थीम था वो था वर्किंग क्लास, वो स्पेशली जो वर्किंग क्लास होती थी वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। 113, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लीज। तो फ्रेंड्स डिस्टोपिया जो टर्म है वो इम्प्लीज करता है अनप्लीजेंट जो रियल वर्ल्ड होता है उसको। क्लियर। नेक्स्ट 114, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवियल पीरियड ऑफन इन ए ग्लोमी कैसल रिप्लेट विद डंजियंस सबटेरेनियन पैसेज एंड यूज ऑफ गोस्ट एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, ठीक है, दैट इज आंसर विल बी गॉथिक नॉवल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जो हमारा वॉकिंग माइंड होता है उसमें जो थॉट्स का अनब्रोकन फ्लो रहता है उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वन हंड्रेड सिक्सटीन, हु हैज रिटन जोसेलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। फॉलोइंग राइटर्स के जो नीचे नाम दिए गए हैं उनमें जोसेलिन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा गैल्सवर्थी के द्वारा। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। फ्रेंड्स पोइटिक लाइसेंस क्या है, तो फ्रेंड्स पोइटिक लाइसेंस का जो ऑप्शन होंगे, वन पोइट्री रिटन टू इस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री और लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। तो ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी,
लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री. व्हाट इज हैपनिंग टुडे? वन एटीन द पोइट ऑफ द फेमस पोएम डेफोडिल्स इज. तो फ्रेंड डेफोडिल्स पोएम का जो पोइट हो गए वो होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो फ्रेंड्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्राकन सोनेट हो जाएगी जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है. द स्टिल सैड एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर डज दिस लाइन ओकर. तो फ्रेंड द लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे जिसको शॉर्ट में टिंटन एबे भी बोलते हैं वहां से ये ली गई है. नेक्स्ट 121 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द शेक्सपियर सक्सेस. तो फ्रेंड्स शेक्सपियर की जो सक्सेस का बिगिनिंग मार्क्स बना था वो वीनस एंड एडोनिस को माना जाता है. द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले. तो फ्रेंड्स थीम की बेसिक के आधार पर हम इसको ट्रेडी की कैटेगरी में आते हैं जो सबसे सभी ग्रेट ट्रेडीज हैं होकम हेमलेट ओथेलो किंग लियर मैकबेथ उनमें ये फर्स्ट नंबर पर आता है. नेक्स्ट हु इज होरेशियो इन द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. तो फ्रेंड्स होरेशियो विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में हेमलेट का क्लोज फ्रेंड है. नेक्स्ट 124 क्लियर फ्रेंड्स 124 मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो टुमारो एंड टुमारो. तो फ्रेंड्स ये लाइन किस समय बोली जाती है? तो ये लाइन उस समय बोली जाती है जब उसको लेडी मैकबेथ की डेथ की न्यूज मिलती है. ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ द लेडी मैकबेथ्स डेथ. और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा हु इज नॉन एट द पॉइंट ऑफ द लेक्स. तो फ्रेंड्स लेक पॉइंट के रूप में वैसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज और सदी तीनों को जाना जाता है लेकिन जब बात दोनों में कंपेरिजन किया तो हम वर्ड्सवर्थ को ज़्यादा वरीयता देंगे क्योंकि वर्ड्सवर्थ यूपी टीजीटी के सिलेबस में है. क्लियर फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ साथ दोस्तों पेड नोट्स के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.